हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैरामीटर्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि यूज होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के? तो सबसे पहला पैरामीटर है, वो है आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, इसको आप H0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कई जगह। हाइपोथेसिस एंड इट रिप्रेजेंट्स जीरो नल। ओके, सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, तो पता ही नहीं क्या है क्यों नहीं, ये नेक्स्ट है, ये लोगों का कहना है। सो इन स्टैटिस्टिक्स द नल हाइपोथेसिस इज अ जनरल गिवन स्टेटमेंट और डिफॉल्ट पोजिशन दैट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्ड केसेस और नो रिलेशनशिप अमंग ग्रुप्स। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बात करूँ, इट इज़ अ बेसिक अजम्पशन और मेड बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम नॉलेज। ये किसके आधार पे बनता है? प्रॉब्लम नॉलेज के आधार पे बनता है। फिर से बताता हूँ गाइज, समझिएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आई, हिंदी में बताता हूँ। इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो नल हाइपोथेसिस है, एक जनरल है जो कि एक जनरल है गिवन स्टेटमेंट के ऊपर, और डिफॉल्ट पोजिशन है दैट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू मेजर्ड केसेस। दो मेजर्ड केसेस के ऊपर कोई रिलेशन नहीं है भैया, और नो रिलेशनशिप अमंग ग्रुप्स, और ग्रुप्स के बिटवीन भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। थोड़ा सा और इसको डिफाइन करता हूँ, ये एक टाइप है हाइपोथेसिस स्टेट्स का ही। तो इस ये कहता है कि देर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स और ग्रुप बींग स्टडीड। जो हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं या फिर वेरिएबल्स के बारे में देख रहे हैं, तो उनके बिटवीन कोई डिफरेंस नहीं है या किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है उनके बिटवीन। ये अज्यूम करता है कि जो कोई भी ऑब्जर्व रिजल्ट हैं वो आर ड्यू टू चांस और रैंडम वेरियंस। वो बाय चांस है या फिर रैंडम वेरियंस है यार, उनका उसके आधार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मतलब दो चीजें, एक कंपनी है और एक उसका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। मान लीजिए आज किसी कंपनी ने 50 बल्ब निकाले, तो ये इस कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है इसके आधार पे, ठीक है। ये दो अलग अलग ग्रुप है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट एंड कंपनी इज डिफरेंट, ठीक है। सो देर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस वेरिएबल्स और ग्रुप जो कि हम पढ़ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। अ कंपनी प्रोडक्शन इज, अ कंपनी प्रोडक्शन इज ने इक्वल टू कर दिया 50 यूनिट्स पर डे, ओके एंड एक्सेट्रा। सो देर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स, राइट। सो जनरल गिवन डेफिनेशन स्टेटमेंट्स है या डिफॉल्ट पोजिशन है, तो उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है या फिर कोई मेजर क्लासेस नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके ग्रुप्स के बिटवीन, एक सीधी सी मैं बात कहूँ तो यही नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये बाई चांस भी हो सकता है और वेरियंस भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। So, I just want to tell you one more thing, two, three example of this. First of all, I just want to tell you, null hypothesis are formulated to test whether there is a significant relationship, difference or effect between variables. Okay, then a researcher gather data and analyze it to either reject or fail to reject the null hypothesis based on the evidence they collected. इसका example के लिए तीन चार एग्जाम्पल दे देता हूँ यार तुम लोगों को। मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर लेवल है और इंडिविजुअल्स हु कंज्यूम कॉफीन और एंड दोज हु डजंट कंज्यूम कॉफीन, ओके। सो इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है यार, इन दोनों के बिटवीन कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है कि यार ब्लड प्रेशर लेवल है किसके बिटवीन, इंडिविजुअल हु कंज्यूम कॉफीन एंड दोज हु डज नॉट डू नॉट कंज्यूम कॉफीन। तो इन दोनों बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहाँ है? कोई इतना बड़ा डिफरेंस थोड़ी ना हो गया कि भाई इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, ना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बिटवीन। ओके,
फिर बाद में देर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एम्प्लॉयर की जो टर्नओवर रेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, उन दोनों के बिटवीन कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ टू डिफरेंट मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन। कोई भी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन को हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और हम दो तरीके की इफेक्टिवनेस ऑफ टू डिफरेंट मेडिकेशन हम यूज कर रहे हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है उन दोनों के बिटवीन। देर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन डेली एक्सरसाइज एंड वेट लॉस इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, सो इसके बिटवीन भी कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है, कोई एसोसिएट नहीं है सब चीजें। देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट कस्टमर सर्विस अप्रोचेस। जो दो डिफरेंट कस्टमर सर्विस अप्रोचेस हैं उनके बिटवीन कोई भी वो नहीं है यार, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। सो अगेन मैं इसको आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि यार नल हाइपोथेसिस है ना, बेसिकली हम इन्हीं सब चीजों के लिए यूज करते हैं कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है, या इफेक्टिव है या नहीं है बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बिटवीन। हमें दो वेरिएबल देखने पड़ेंगे, कौन कौन से दो वेरिएबल हैं और वो एक दूसरे से एसोसिएट है या नहीं है, उनका दूसरे से रिलेशनशिप है या नहीं है, कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये सब हम चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वेदर रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट। हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हुई है या फेल हो गई है, रिजेक्ट होने से फेल हो गई है, किसके आधार पे, जो भी हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे उसके आधार पे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज डू कमेंट। ओके, देन आई हैव नेक्स्ट थिंग टू टेल यू। सो नेक्स्ट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। So this also called as H1 hypothesis. So we are talking about alternative hypothesis. So the alternative hypothesis is the hypothesis used in hypothesis testing that is contrary to the null hypothesis, जो कि contrary है किसके लिए, नल हाइपोथेसिस के लिए। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रपोज दैट देर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, कोई डिफरेंस है, कोई इफेक्ट है बिटवीन दो वेरिएबल्स के, ठीक है। सो उसके कंट्रास्ट में हम बात कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस के कंट्रास्ट में बात कर रहे हैं कि भाई साहब ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, डिफरेंस है या फिर इफेक्ट है दो वेरिएबल्स के बीच में। सर रिसर्चर्स एम टू गैदर एविडेंस थ्रू डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू सपोर्ट और कंफर्म द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर बाय रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। किसके लिए, रिजेक्ट करने के लिए नल हाइपोथेसिस को। बेसिकली हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, तो हम क्या बोलते हैं कि देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर लेवल्स बिटवीन इंडिविजुअल्स हु कंज्यूम कैफीन एंड दोज हु डज नॉट कंज्यूम कैफीन। इसको हम कह दिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम कह रहे हैं कि है भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, फिर हम कह रहे हैं कि यार सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है कि जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट के, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय टर्नओवर रेट के। हमने पांच एग्जांपल ऐसे डाल दिए कि देख यार मैं अच्छे से काम करूंगा तो मैं अच्छे से कंपनी को ऊपर लेके जाऊंगा, अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूं तो मैं अच्छे से काम करूंगा। लेकिन कोई मेरे जैसा सड़ो सा कहते यार मैं काम तो अच्छे से करता हूँ लेकिन यार मैं तो नहीं वो हूँ, कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस। अगर अगर मैं कोई स्टेटमेंट नेगेटिवली देता हूँ तो वो नल हाइपोथेसिस में काउंट होता है ना, ठीक है। लेकिन वो चीजें अगर नहीं कर रही है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ जाएगी, कहोगे कि यार ये तो सेटिस्फाई कर रही है ना। आप किसी तरीके से सेटिस्फाई कर दो कि यार डेली एक्सरसाइज करोगे तो वेट लॉस होगा ही, अगर पूरा ग्रुप डेली एक्सरसाइज कर रहा है तो वेट लॉस तो होगा ही, तो इनका तो है ना।
अगर नल हाइपोथेसिस नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? कोई डाउट है इसके अंदर गाइस? कोई डाउट है? सो टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज अपोजिट ऑफ दिस हाइपोथेसिस, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कि जो ये है, ये हाइपोथेसिस है, वो अल्टरनेट है उस हाइपोथेसिस का। ओके, सो नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास में है, वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सॉरी, ये एक हाइपोथेसिस का ही पैरामीटर है, तो इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। भाई अगर कोई चीज सिग्निफिकेंस है तो उसका लेवल कितना है। ठीक है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस। डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस की कितना है भाई, उसका कितना है, इन विच वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस कितनी है कोई चीज की, जो कि जिसके अंदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल फॉर एक्सेप्टिंग अ हाइपोथेसिस, कभी पॉसिबल नहीं है। सो वी देयरफॉर सेलेक्ट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज यूजुअली 5%। हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एग्जीक्यूशंस में आते हैं ना, 5% सिग्निफिकेंस है तो इतना ही देते हैं। दिस इज नॉर्मली डिनोटेड विथ दिस लर्निंग रेट, एंड जनरली इट इज 0.05 ऑल्सो, और 5% ऑल्सो। 0.05 इज ऑल्सो इक्वल टू 5%, विच मीन्स योर आउटपुट शुड बी 95% कॉन्फिडेंट टू गिव अ सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट इन ईच सैंपल। जो आपका आउटपुट है वो 95% कॉन्फिडेंट है, आपका आउटपुट 95% कॉन्फिडेंट है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट देगा हर एक सैंपल में। उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगी 5%, तो जो आउटपुट है वो 95% कॉन्फिडेंट है। समझ में आया? जो आउटपुट है वो कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है, 95%। कई बार 10% होगा तो, सो 10% है तो 90% वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है, सो अगेन पी वैल्यू। सो अब जो अगला है, दूसरा है, वो है अपने पास में पी वैल्यू। वो है पी वैल्यू, ये भी पैरामीटर है। तो द पी वैल्यू और कैलकुलेटेड पॉसिबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ऑब्जर्व्ड और एक्सट्रीम रिजल्ट व्हेन द नल हाइपोथेसिस एच जीरो ऑफ अ स्टडी गिवन प्रॉब्लम इज ट्रू। हम क्या कह रहे हैं कि भाई साहब, जो एक्सट्रीम रिजल्ट्स है, जब नल हाइपोथेसिस है कोई भी स्टडी का, कि जब कोई गिवन प्रॉब्लम है वो ट्रू है, इफ योर पी वैल्यू इज लेस देन द चॉइस सिग्निफिकेंस लेवल, देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आप रिजेक्ट करो सीधा नल हाइपोथेसिस को। दैट इज एक्सेप्ट दैट योर डेटा क्लेम्स टू सपोर्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपका डेटा कह रहा है कि, आपका डेटा जो सैंपल डेटा है वो क्लेम कर रहा है कि आप सपोर्ट करो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। कब? जब पी की वैल्यू किससे कम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है। ठीक है, सो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो ये है पी वैल्यू है, या फिर हम इसको कैलकुलेटेड पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं। सो अगर ये पॉसिबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है वो फाइंड करने के लिए काम में आती है कि जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स है, एक्सट्रीम रिजल्ट्स है, जब हम नल हाइपोथेसिस को स्टडी कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर जो कि ट्रू है, अगर पी की वैल्यू लेस है, कम है एक चूजन सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर, उससे जैसे पी की वैल्यू आ गई कि भाई 0.006 और आपने उसकी वैल्यू रखी 0.005, ठीक है, तो ये तो पी की वैल्यू तो कम हो गई है ना। जब ये कम है तो हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये हो ही नहीं सकता नल हाइपोथेसिस। दिस इज नॉट नल हाइपोथेसिस, दिस इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस सैंपल क्लेम के लिए। तो मैंने पैरामीटर्स बताए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो हमारे पास में H0 पैरामीटर जो कि नल हाइपोथेसिस है, H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, फिर इन दोनों के लिए हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ में हमारे पास पी वैल्यूज है, ये दोनों ही काम में आती हैं इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए, वेदर दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू। ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब अगले में बता रहा हूँ मैं कि स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या है, वी फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जरूरी है।
about which we want to make an assumption, keeping in mind that our assumption should be contradictory, contradictory to one another. मतलब कि हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए कि जिसके आधार पे हम अजम्पशन करना चाहते हैं, और हमने एक अजम्पशन रखी कि भाई साहब कॉन्ट्राडक्टरी जो अजम्पशन है वो रख ली उसके ऊपर. मतलब कि हमने बचपन में 10th क्लास के अंदर शायद कई बच्चों ने देखा होगा कि वो रूट टू वाला देते थे कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, रूट फाइव, ये सब. रूट टू था या रूट थ्री था, ऐसे कुछ था, शायद रूट टू ही था वो, है ना. तो हम ये देखते हैं कि रेशनल है इरेशनल है, तो हम क्या देखते थे कि हम ये पहले तो ये लिख लो कि लेट इट इज रेशनल, ठीक है, हम ये रेशनल फॉर्म में है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी आएगा, फिर बाद में ऐसे होगा ऐसे होगा. हम ऐसे 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 डिफाइन करते जाते थे, और फिर बाद में लास्ट में दिखा देते, देखो ये तो ट्रू है ही नहीं, है ना, ये तो रेशनल है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है, ऐसे बोलते थे ना. तो उसी तरीके से हम ये अजम्पशन लेंगे कि भाई साहब कॉन्ट्राडिक्टरी, इट शुड बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू वन अनदर, ठीक है. स्टेप टू के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वी कंसिडर स्टैटिस्टिकल अजम्पशन दैट द डेटा इज नॉर्मल और नॉट. दूसरे कंडीशन में स्टेप टू के अंदर हम ये स्टैटिस्टिकल अजम्पशन करेंगे कि जो डेटा है आपका वो नॉर्मल है, इज नॉर्मल, ठीक है. इसके ऊपर अजम्पशन करेंगे कि डेटा इज नॉर्मल डेटा और डेटा इज नॉट नॉर्मल डेटा, ये दो कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल जो इंडिपेंडेंसीज है बिटवीन द डेटा वो हमें बताना बहुत ज़रूरत है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा के बिटवीन स्टैटिस्टिकल जो इंडिपेंडेंसीज हैं उसके ऊपर भी हमें अजम्पशन देना पड़ेगा. थर्ड स्टेप में हम क्या देंगे, थर्ड स्टेप में हम बताएंगे कि वी डिसाइड अवर टेस्ट डेटा ऑन विच वी विल चेक अवर हाइपोथेसिस. हम डिसाइड करेंगे हमारे टेस्ट डेटा को कि हमारा टेस्ट डेटा होगा क्या, जिसके ऊपर हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है. पहले में हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्टरी लेके आए, फिर बाद में दूसरा क्या किया, हमने कॉन्ट्राडिक्टरी लेके आए, फिर बाद में हमने ये अजम्पशन लिया कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल है या नहीं है, फिर हमने हमारा टेस्ट डेटा चूज किया. स्टेप फोर के अंदर हम क्या करेंगे, द डेटा फॉर द टेस्ट आर इवेल्युएटेड इन दिस स्टेप, वी लॉक लुक फॉर वेरियस स्कोर्स इन दिस, लाइक इन दिस स्टेप, लाइक जेड स्कोर एंड मीन वैल्यू, है ना, लाइक जेड स्कोर हो गया या फिर कोई मीन वैल्यू हो गई. तो हम क्या कर रहे हैं कि द डेटा फॉर द टेस्ट टेस्ट आर इवेल्युएटेड, हमने उनको इवेल्युएट कर दिया. इन दिस स्टेप वी लुक फॉर वेरियस स्कोर्स, ठीक है, इस स्टेप के अंदर हम वेरियस स्कोर्स की तरफ देखेंगे. इन दिस स्टेप लाइक जेड स्कोर या फिर मीन वैल्यू हो गई, वो सब हम ले लेंगे, उनको उसका डेटा ले लेंगे, ठीक है. सो ये किसके लिए कर रहे हैं, टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए हम इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस स्कोर्स को चेक करने के लिए. हम जेड स्कोर जैसे डेटा को या फिर इन सब जैसे डेटा को लेके आएंगे या मीन वैल्यूज को लेके आएंगे, ठीक है. और स्टेप फाइव के अंदर आप तो दिमाग लगा ही सकते हो, लास्ट स्टेप है. इन दिस स्टेप वी डिसाइड वेयर वी शुड एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एक्सक्यूज मी. इस स्टेज के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि जहां पर हमें एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जरूरत है. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस अप टू हेयर यू कैन राइट इन कमेंट्स. सो आई विल कवर, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो विद दैट, बट इफ यू हैव एनी डाउट टिल हेयर यू कैन डू कमेंट. ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. गिवन अ कॉइन, इट इज नॉट नोन वेदर दैट इज फेयर और ट्रिकी. सो लेट्स डिसाइड द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. हमें पता नहीं है कि भाई साहब ये फेयर है या ट्रिकी है, तो इसके लिए हम डिसाइड कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. हमें हमारे पास में एक कॉइन है, अगेन सुन लो कि एक कॉइन है और हमें पता नहीं है कि ये फेयर है या ट्रिकी है. सो हमने डिसाइड कर लिया नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या है, द कॉइन इज अ फेयर कॉइन, या हमारा नल हाइपोथेसिस है कि अ कॉइन इज
कॉइन इज अ फेयर हाइपोथेसिस, ये नल हाइपोथेसिस है, फेयर कॉइन। और ये H0 लिख देता हूँ मैं, और H1 है आपका, ये ट्रिकी है, अ कॉइन इज अ ट्रिकी कॉइन, ट्रिकी कॉइन है भाई। ठीक है, दो हाइपोथेसिस ले लिया, और इसका जो अल्फा है वो हमने 5 ले लिया, अल्फा हमने 5 ले लिया। ठीक है, सो अल्फा 5 का मतलब क्या है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। टॉस अ कॉइन फर्स्ट टाइम एंड अज्यूम दैट द रिजल्ट इज हेड, एक बार उसको फ्लिप किया और हमने क्या पाया, जो रिजल्ट है वो क्या है, हेड है। सो फर्स्ट बार टॉस करने पर हमें मिला रिजल्ट हेड। ओके, सो पी हेड पी वैल्यू जो होगी वो होगी 50 होगी, क्यों, एज हेड एंड टेल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब पी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 50, क्योंकि हेड हो या फिर बाद में, क्योंकि पी प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी 50% होगी, ऐसे बोल सकते हैं, हेड एंड टेल की दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी, टेल हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट्स व्हाई दिस इज 50। ओके, टॉस अ कॉइन सेकंड टाइम एंड अज्यूम दैट रिजल्ट अगेन इज हेड। ओके, सो दूसरी बार भी तुमने कॉइन टॉस किया और आपको क्या मिला, हेड मिला, तो अब यार इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अब ये हो गया कि पी की वैल्यू क्या होगी, 50/2, 2 बार हेड आ गया, तो अब ये कितना हो गया, पी की वैल्यू 25। एंड सिमिलरली हमने 6 बार कंसिक्यूटिवली, कंसिक्यूटिव टाइम हमें हेड 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 मिलता गया, 6 बार हेड मिला, तो नाउ पी वैल्यू इज व्हाट था, 25/2 तीसरी बार, सॉरी उस पे आने पर, इसको ये कर देते हैं, मैं इसको वापस से मैं 3 से करूँगा फिर बाद में इस तरीके से, कीप इफ आई विल रिपीट इट, सो 6 टाइम करूँगा तो मैं ये कहाँ तक आ जाएगा यार, 2 से मैं डिवाइड करूँगा फिर 12 आएगा, फिर 12 को मैं करूँगा तो 6 आएगा, फिर 6 को करूँगा तो 3 आएगा, और 3 को करूँगा तो 1.5 आ जाएगा। देखो, एक फिर दो फिर तीन चार पाँच छः, छः हो गया ना, 6 कंसिक्यूटिव टाइम हेड आया, ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। ओके, ये पी की वैल्यू होगी, बट वी सेट अवर सिग्निफिकेंस लेवल एज एन एरर रेट वी अलाउ, एंड हियर वी सी वी आर बियॉन्ड दैट लेवल, और नल हाइपोथेसिस डज नॉट होल्ड गुड, सो वी नीड टू रिजेक्ट एंड प्रपोज दैट द कॉइन, दिस कॉइन इज अ ट्रिकी कॉइन। मैंने क्या कहा था, जैसे पी की वैल्यू अल्फा से नीचे आई, लर्निंग रेट से नीचे आई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से नीचे आई, ठीक है, वैसे ये क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस होल्ड नहीं करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड हियर एंड दिस इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सो व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दिस इज अ कॉइन इज अ ट्रिकी कॉइन, कॉइन इज अ ट्रिकी कॉइन, सो बिकॉज इट हैज 6 कंसेक्यूटिव हेड्स, इसके पास में कितने कंसेक्यूटिव हेड्स है, 6, सो आई होप आप ये समझ गए होंगे, कोई डाउट है तो बताएं। सो अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सो टू वैलिडेट अवर हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर वी यूज बेसिकली स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, सो वी यूज द जेड स्कोर, पी वैल्यू एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा ओनली, एंड टू मेक एविडेंस फॉर आवर हाइपोथेसिस। तो ये सब चीज़ें हम किसके लिए कर रहे हैं, हाइपोथेसिस के लिए एक एविडेंस बना रहे हैं। ठीक है, सो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ, ये है जेड इक्वल टू एक्स माइनस ये आपका म्यू डिवाइडेड बाय ये सिग्मा एंड दिस अगेन डिवाइडेड बाय जेड, ओ सॉरी एन 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 जेड, दिस इज एन अंडर रूट एन, सो एक्स माइनस म्यू एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जेड। ओके, दिस इज जेड स्कोर, सो इट डिपेंड्स ऑन पी वैल्यूज, वी यूज जेड स्कोर, पी वैल्यू एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू मेक एविडेंस फॉर आवर
हाइपोथेसिस। ओके सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ सैंपल मीन, एक्स इज अ सैंपल मीन, सैंपल मीन। ओके व्हाट इज म्यू, म्यू इज अ पॉपुलेशन मीन। यार गाइस मेक श्योर करो कि आपको ये सब पता है, ठीक है। फिर है आपका ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन। और फिर आपका पास है साइज ऑफ द सैंपल, ये एन है साइज ऑफ द सैंपल, साइज ऑफ सैंपल। सो ये सब हो गया आपका। सो आई होप ये आप सब समझ गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट है आप तो लिखिए, कमेंट कीजिए। सो दिस इज इट। एक और मैं आपको बता देता हूँ कि एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। और एक दो इफेक्ट्स बता देता हूँ कि व्हाट इफ वी गेट पी वैल्यू ग्रेटर देन आवर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बट वी स्टिल रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। इन दिस केस वी विल बी मेकिंग एन एरर। इस केस में हम एरर कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द एरर वी मेक, वी डिफाइन एरर इन टू टाइप्स। सो एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर। सो व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑल दो दैट हाइपोथेसिस वॉज ट्रू, दिस इज टाइप वन एरर, इज डिनोटेड बाई अल्फा। एंड टाइप टू एरर इज व्हेन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस बट इट इज फॉल्स। भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस है लेकिन ये फॉल्स है, दिस इज टाइप टू एरर, इट इज डिनोटेड बाय बीटा। तो हमारे पास में दो टाइप के एरर हैं, अल्फा एंड बीटा। टाइप वन कब है, जब हमने उसको ट्रू कर दिया लेकिन वो फॉल्स था, ठीक है। सॉरी, जब हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया लेकिन वो ट्रू था। और दूसरा कब है, जब हमने उसको फॉल्स कर दिया, जब वो फॉल्स है, सॉरी, हम जब वो फॉल्स है और हमने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, यहाँ पर हमने रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो रिजेक्ट किया और फिर अपना लिया ट्रू, रिजेक्ट कर दिया कि भाई वो तो झूठी बात है लेकिन लेकिन वो तो थी सच्ची बात, और एक्सेप्ट कर लिया झूठी बात को, वो टाइप टू, ठीक है। तो दो तरीके के एरर हो गए। तो यही था यार हाइपोथेसिस अंडरस्टैंडिंग का सफ़र, यहीं तक था। ये जो पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, ये मैं आपके लिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसके अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो इसके अंदर मैं पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन भी डाल दूंगा, सारे भी जितने ही पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन हैं वो मैं उन सब चीज़ों के अंदर डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर डालूंगा तो आपको बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सब चीज़ें वहाँ पर डालूँ मैं, तो आपको सब सब सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएँ। तो हम देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कि फाइंड अ मैट्रिक्स और वेक्टर नॉर्म यूजिंग नम। ओके सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।